देखिए आज हमारे लिए बहुत ही ये गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। ऐसे महान व्यक्तित्व जो इस भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और जिनकी एक बड़ी सोच कि जिन्होंने भारत की छोटी बड़ी 562 रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण किया, ऐसे महान व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर के ऊपर मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस उपलक्ष्य के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर के ऊपर रन फॉर यूनिटी, उनको समर्पित हजारों की संख्या में आज हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों ने आज इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले बड़ा सम्मान ऐसे महान व्यक्तित्व को अगर किसी ने देने का काम किया, उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है उसको बना करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब उनके 150 वर्ष उनकी जन्म जयंती के पूरे हुए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया कि सरदार के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित पूरे वर्ष भर उनकी याद में विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे और उनको ऐसे महान व्यक्तित्व के कार्यों को और उन्होंने जो दिशा दी है उसको याद करने का अवसर हमें मिलेगा। मैं इस अवसर के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज दीपावली का महापर्व भी है, मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व उनके वो परिवार में स्वस्थ रहें और वो समृद्ध बने, मैं ऐसी प्रार्थना भगवान श्री राम से करता हूं। ये महापर्व हम सब के लिए एकता, भाईचारे और प्रेम को बढ़ाने वाले ये पर्व हैं। मैं सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कल हरियाणा दिवस भी है, भैया दूज का पर्व भी है और गोवर्धन का भी महापर्व है, छठ मैया का, मैं इसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को मना रहे हैं, इसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।